आज हम आपको नरेला में मेन मार्केट्स दिखाएंगे। आज तक हमने आपको नरेला के सिर्फ फ्लैट्स दिखाए हैं, मेन एरिया और मार्केट्स नहीं दिखाई। आज हम आपको नरेले का मेन एरिया और मेन मार्केट्स दिखाएंगे। नरेला में सबसे मेन रोड, सबसे ज़्यादा चलने वाली रोड है हरीशचंद्र रोड। ये रोड सब जानते हैं, इसके ऊपर सरकारी हॉस्पिटल है जिसे हरीशचंद्र हॉस्पिटल कहा जाता है, और ये सबसे फेमस रोड है नरेले की। और इस रोड के ऊपर दोनों तरफ फ्लैट्स हैं, कई जगह प्लॉट्स हैं, कई जगह दुकानें हैं, और सभी चलती हैं। और ये तो ऐसी दुकानें हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मात्र 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर इनके दाम दोगुने चौगुने हो जाएंगे। ये जो मार्केट्स पड़ती हैं रोडों पर, इनके जो रेट हैं, अभी अगर हम DDA की मार्केट लेते हैं, में दुकान या कुछ लेते हैं, तो मात्र 7 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं, जो कि लोकेशन वाइज 50 लाख तक भी जाते हैं। इस रोड के ऊपर प्लॉट्स भी हैं जो 250 मीटर के हैं, जो 2.5 करोड़ रुपए से शुरू हो जाते हैं। और इस रोड के ऊपर लाल फ्लैट भी हैं, जो लाल फ्लैट हैं वो 35 लाख से शुरू होते हैं। और यहाँ पे पीले फ्लैट भी हैं जिनकी कीमतें 70 लाख से शुरू हो जाती हैं। तो ये जो रोड है पूरी की पूरी कमर्शियल है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं हमारी रोड पर, ये हरीशचंद्र रोड के ऊपर। इस रोड के ऊपर शोरूम्स भी खुले हुए हैं, जैसे बाइक का शोरूम, कार के शोरूम, और यहाँ पे अकेडमीज भी बहुत सारी खुली हुई हैं रोड पे। प्रॉपर्टी डीलर्स की भी काफ़ी दुकानें हैं, और यहाँ पे प्लॉट्स भी बने हुए हैं रोड के ऊपर। कईयों ने इन्हें रेजिडेंशियल तौर पे भी इस्तेमाल किया हुआ है, पर इनका आगे आने वाले टाइम में कमर्शियल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप यहाँ पे देखिए, आज हम आपको यही वाली रोड दिखाएंगे कि इस रोड के चारों तरफ, जो हरीशचंद्र रोड यहाँ की सबसे मेन रोड है, इसके चारों तरफ फ्लैट्स ही फ्लैट हैं। कई जगह MIG, कई जगह HIG, LIG फ्लैट्स हैं, और ये सारे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। यहाँ चारों तरफ लोग रहते हैं, यहाँ पीले फ्लैट हैं, लाल फ्लैट हैं, इनमें भी काफ़ी लोग रहते हैं, और ये सारे सामान खरीदने के लिए इसी रोड पर आते हैं। इस रोड पर कई सारे रिपेयरिंग की दुकानें भी खुली हुई हैं, जैसे कार रिपेयरिंग, बाइक रिपेयरिंग, उनके भी काफ़ी शॉप्स खुली हुई हैं। यहाँ DDA मार्केट भी इसी रोड के ऊपर है। यहाँ पे जिम्स भी ओपन हुई हुई हैं, जिम्स भी हैं काफ़ी सारी। स्नैक पॉइंट भी है, वेज स्नैकिंग पॉइंट है, नॉन वेज स्नैकिंग पॉइंट है। यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं रोड के ऊपर, आप आए तो पार्टीज का स्पेस भी है यहाँ पे। ये मेन हरीशचंद्र रोड है जो 40 मीटर की है। इसके ऊपर हरीशचंद्र हॉस्पिटल है। ये हरीशचंद्र हॉस्पिटल की रोड पर ये बुद्ध बाजार मोड़ पड़ता है। ये भी यहाँ का सबसे मेन मोड़ है, बुद्ध बाजार मोड़। इसके इस तरफ सेक्टर 9 है बुद्ध बाजार मोड़ के, और उस तरफ सेक्टर 10 है। इसमें ये HIG फ्लैट भी बने हुए हैं, जो भी आपने देखे, ये 14 मंजिल के HIG फ्लैट हैं। इसके सामने नरेला का गांव का एरिया पड़ता है, वो सारा नरेला गांव है, वो भी घनी आबादी का क्षेत्र है, वो भी इस मार्केट की तरफ आता है और सामान खरीदता है। ये DDA मार्केट है नरेला की, इसमें दुकानें भी बनी हुई हैं, और ये आप दुकानें देखिए, ये दुकानें चलती भी हैं, ये शटर्स लगे हैं, ये थोड़ी देर में दुकानें खुल जाएंगी, और ये दुकानें बहुत बढ़िया चलती भी हैं। इसके सामने आपको ये MIG फ्लैट दिख रहे हैं जो मैंने आपको दिखाए अभी। ये मेन बुद्ध बाजार रोड ही पड़ती है। ये प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर ये प्लेटफॉर्म आप खरीद लेते हैं, ये प्लेटफॉर्म 6x10 के हैं, 6x9 के ये प्लेटफॉर्म हैं, और आप खरीद लेते हैं तो इसे दुकान की तरह डेवलप कर सकते हैं, और यहाँ से सारा एरिया
नरेले का पास पड़ता है, वो HIG फ्लैट, MIG फ्लैट, नरेला गांव और ये सारा शहरी क्षेत्र, ये बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच है, उधर भी MIG फ्लैट्स हैं, तो सारा का सारा रेजिडेंशियल एरिया के बीच ये दुकानें पड़ती हैं, ये प्लेटफॉर्म है, इन्हें दुकानों की तरह डेवलप किया जा सकता है। और ये दुकानें ही हैं DDA की, शॉप्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छा रन कर रही हैं। शॉप्स के आगे आपको काफ़ी स्पेस भी मिल जाता है, मतलब आप अंदर तो शॉप कर सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं, आगे भी आप कोई सामान रख कर बेचना चाहें तो आगे की तरफ इतना सारा स्पेस मिलता है, आप आगे भी कुछ सामान रख के बेच सकते हैं दुकान के। और यहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपको इसका दुगने से चौगुना रेट भी मिल सकता है। ये आज हम आपको यही सारा एरिया दिखा रहे हैं कि इसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ये पूरा का पूरा फ्लैट बने हुए हैं इसके सामने, पूरा का पूरा आबादी के बीच में है, ये मेन एरिया है नरेला में, हरीशंदर रोड के ऊपर, ये मेन बुद्ध बाजार रोड ही है, ये बुद्ध बाजार के यहाँ चार रोडें पड़ती हैं, उनमें से एक रोड ये भी है, ये भी मार्केट बनी हुई है, ये प्लाजा बने हुए हैं यहाँ पे, ये प्लाजा मल्टी स्टोरी है, कोई शिवम बाजार है, कोई अग्रवाल प्लाजा है, एक प्लाजा अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये प्लाजा बन रहा है, इसकी भी शॉप सारी बुक हो चुकी हैं, ये जो खाली एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे भी प्लाजा बनेगा, सारा एरिया यहाँ अलॉट हो चुका है, कई बिल्डर्स ने शॉप्स बना ली हैं, कई बिल्डर्स बना रहे हैं, और ये एरिया ऐसा है कि जैसे ही वो शॉप्स बनाते हैं उसी वक्त सेल हो जाती हैं। ये आप शॉप्स देख रहे हैं यहाँ पे नरेला की, ये बहुत मेन लोकेशन है, बिल्कुल हरिश्चंद्र पे पड़ती हैं, यहाँ एक एक शॉप का रेंट 25-25 हज़ार रुपये है, यानी अगर आज आप यहाँ पे ख़रीद के इन्वेस्ट करते हैं तो किराया भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। ये बुद्ध बाजार मोड़ पड़ता है, बुद्ध बाजार के सामने ही है वो शॉप्स जो आपने देखी अभी, और देखिए आप वीडियो में आपको सारी जगह दिखाई दे रही हैं, ये पूरा बुद्ध बाजार मोड़ का एरिया पड़ता है, ये शॉप्स देखो आप बिल्कुल रोड पे पड़ती हैं, सारे लोग आते हैं यहाँ पे सामान लेने इन दुकानों पर। इसके फर्स्ट फ्लोर पे बैंक खुला हुआ है, SBI बैंक भी काफ़ी चलता है, आप ये शॉप खरीद कर ATM के स्पेस के लिए भी दे सकते हैं, यहाँ पे ATM भी खुला हुआ है, रेंट पे देना चाहे रेंट पे दे सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी साइजेस में दुकानें अवेलेबल हैं, यहाँ पे दुकानों में जोड़ा भी मिल जाता है, अगर आप जोड़ा लेके दुकान खोलना चाहें वो भी यहाँ पे दुकानें मिल जाती हैं। बिल्कुल रोड पर पड़ती हैं ये दुकानें, अगर किसी का दुकान खोलने का मन है ऐसे एरिया में जहाँ अच्छे रिटर्न्स मिले उन्हें, ये देखिए ये इसी रोड के साथ में ही इसी रोड पे प्लॉट्स भी बने हुए हैं 250 मीटर, अगर कोई बड़ा बिजनेस खोलना चाहता है जैसे कि बाइक शोरूम्स, कार शोरूम्स, किसी भी चीज़ के बड़े शोरूम्स बनाना चाहता है, क्लोथ्स के रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं बड़े, ढाबे खोलना चाहते हैं बड़े, तो ये बड़े प्लॉट्स भी ले सकते हैं वो, ये 250 मीटर के प्लॉट हैं इसी रोड के ऊपर, ये जब बन जाएंगे पूरे के पूरे प्लॉट्स तो आप ये खुद सोचो कि इन प्लॉटों की क्या क्या कीमत हो जाएगी, जितने में एक फ्लोर मिलता है दिल्ली के अंदर उतने में आपको ये पूरा प्लॉट मिल रहा है, वो भी कमर्शियल रोड पर। दिल्ली में अगर आप एक फ्लोर लेते हो इतना बड़ा 250 मीटर का तो कहीं गली में मिलता होगा, वो भी एक ही फ्लोर, यहाँ पे उतने में आपको पूरा प्लॉट मिल जाएगा और उस प्लॉट में आप रह सकते हो, उसे कमर्शियली यूज़ कर सकते हो, हार्डवेयर की दुकान उसमें खोल सकते हो, उसमें किसी चीज़ का शोरूम खोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल सकते हो, जैसे कार का शोरूम हो गया या फिर टीवीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स की शॉप हो गई बड़ी बड़ी, वो सब यहाँ पे ओपन हो सकती हैं, और यहाँ ख़रीदने वाले बहुत लोग हैं, ये सारा ही आबादी क्षेत्र के बीच में पड़ता है एरिया,
तो फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है। देखिए रोड पे बिल्डिंग मटेरियल की भी दुकान खुली हुई है, तो बिल्डिंग और इन प्लॉट्स के आगे स्पेस भी बहुत सारा मिलता है। इधर रोड है और वहां प्लॉट है, तो ये जो इतना आगे का एरिया है वो भी आप किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आगे के एरिया में पार्किंग में या कोई भी आपको जो वर्क लगे उस वर्क के अकॉर्डिंग इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रोड है, ये देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग की शॉप्स भी खुली हुई हैं। और ये साथ ही में ही उसी रोड से हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो ये पीछे पॉकेट 4 के फ्लैट पड़ते हैं जिसमें LIG और MIG फ्लैट हैं। सामने ये खाली मैदान है जहाँ पर जब रामलीला होती है, रावण दशहरा फूटता है, तो भी बहुत लोग आते हैं, तब भी ये मार्केट्स बहुत चलती हैं। ये थोड़ा सा और आगे आते हैं, इसी रोड पर शिव शक्ति अपार्टमेंट्स भी हैं। ये शिव शक्ति अपार्टमेंट में भी LIG और MIG फ्लैट हैं। ये सारे फ्लैट बाउंड्री वॉल्स के अंदर हैं। रेजिडेंस के हिसाब से भी ये एरिया बहुत बढ़िया है और कमर्शियल यूज़ के हिसाब से भी ये रोड बहुत बढ़िया है। ये MIG फ्लैट हैं, LIG फ्लैट हैं। यहाँ पे आपने देखे ये रोड से हम आपको एंट्रेंस दिखा रहे हैं इन फ्लैटों की। ये रोड वही है, हरीश्चंद्र वाली रोड, रोड वही पड़ती है ये सारी हरीश्चंद्र की। हम अब और आगे की तरफ जाते हैं इस रोड के, ये हम आपको चारों तरफ से यही रोड दिखा रहे हैं। यहाँ पे काफी दुकानें खुली हुई हैं रोडों के सामने भी। ये देखिए थोड़ा सा पॉकेट 4 से शिव शक्ति अपार्टमेंट से थोड़ा सा और आगे को आते हैं, यहाँ पे एक और DDA मार्केट है। इन DDA मार्केट में भी शॉप्स हैं। यहाँ पे जो व्हील होते हैं, गाड़ी के टायर्स होते हैं, उनको बेचने की दुकान है, चिकन शॉप है, मेडिसिन की दुकान है, और भी काफ़ी दुकानें हैं। इस DDA मार्केट में भी आप दुकान खरीद सकते हैं। इन DDA मार्केट्स के अंदर भी प्लॉट्स हैं। यहाँ पे इंडेन गैस की एजेंसी भी है, अगर आप एजेंसी वगैरह कुछ खोलना चाहें वो भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ बुकिंग एजेंसी है, या आप अंदर आए जैसे हम, तो अंदर आके यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म है। DDA मार्केट्स में प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो काफ़ी सस्ते रेटों पर आपको मिल जाते हैं। जहाँ दुकानें 15 से 20 लाख से शुरू होती हैं, वहीं पे ये प्लेटफॉर्म, ये जगहें, ये प्लेटफॉर्म 8x10 के जो ये प्लेटफॉर्म हैं, ये आपको मात्र 7 लाख से शुरू होकर मिल जाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जब आप बनाएंगे तो पूरी की पूरी एक दुकान बन जाती है। जो सामने लाल शटर वाला दुकान दिखाई दे रही है, ये दुकान नहीं, ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने कवर करा और ये पूरी की पूरी दुकान बन गई। और कितने में? मात्र 7 लाख में। DDA मार्केट के अंदर आपके पास अपनी दुकान हो जाती है, या आपको इस तरीके से ज़मीन मिलती है, नीचे अभी हम दिखाएंगे, नीचे इस तरीके की ज़मीन मिलती है, इसके ऊपर आप ईंटें लगा के दुकान बना सकते हैं और ये मात्र आपको 7 लाख में पड़ती है। आगे आने वाले टाइम में जब ये मार्केट काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएगी, आपको ये 7 लाख में नहीं मिलेगी, इसका रेट कम से कम 20 लाख रुपये हो चुका होगा तब तक। तो इससे अच्छा आज ही इन्वेस्ट करें ताकि कल हमें 20 लाख रुपए मिले इसके। ये देखिए इनकी पक्की रजिस्ट्री है, ये DDA की दुकानें हैं, ये पीछे जोड़े में बनी हुई है प्लेटफॉर्म पे दुकान चलती भी है। ये उसी मार्केट का हम आपको बाहर से व्यू दिखा रहे हैं। बाहर से ये आप देखिए बिल्कुल उसका फ्रंट लोकेशन है। इतना इतना स्पेस आगे भी मिल जाता है दुकानों में। आप दुकानें खरीदना चाहे आप शॉप खरीद सकते हैं नरेला के अंदर। ये रोड पड़ती है मेन, वही 40 मीटर वाली हरिश्चंद्र रोड। पूरा हरिश्चंद्र रोड के ऊपर ये सारा मार्केट एरिया पड़ता है। ये हम आपको हरिश्चंद्र रोड के ऊपर से ही दिखा रहे हैं सारा एरिया। ये पॉकेट 4 के फ्लैट हो गए, ये मार्केट हो गई, ये रोड है, इस तरफ भी शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं, चल रही हैं काफ़ी अच्छी। और ये हम आपको अब ले आए, थोड़ा सा आगे आप और जाएंगे तो ये सेक्टर 10 आता है। ये सेक्टर 10 में भी काफी अच्छी मार्केट बनी हुई है।
सेक्टर 10 में भी कई सारे प्लाजा बने हुए हैं, बिल्डर्स ने अपनी मार्केट बना रखी है, ये सारी गवर्नमेंट अप्रूव दुकानें हैं, सारी DDA से अप्रूव है, इन सब पे फाइनेंस भी हो जाता है, इन सब में भी जो दुकानें हैं वो उनके भी साइज 12x20, कोई 12x10, 12x15, इस एरिया की दुकानें हैं 10x10, इनमें भी अगर आप फ्लोर वाइज कोई दुकान लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी यहाँ शॉप्स मिल जाती हैं, आप क्लिनिक खोलना चाहे क्लिनिक खोल सकते हैं, कोई एकेडमी खोलना चाहें, कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहें, उस तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है। साथ में इनके प्लॉट्स हैं, यहाँ पे आप देखिए साड़ी सेंटर खुला हुआ है इस टावर में, तो कोई आप शोरूम की तरह दुकान खोलना चाहें वो खुल जाती है। सामने ढाबा है, ढाबा प्लॉट में खुला हुआ है, नीचे वो रह बन ढाबा चलता है, ऊपर रह भी सकते हैं। आने वाले टाइम में इसे होटल की तरह भी डेवलप करा जा सकता है प्लॉट्स को। ये वही हरिश्चंद्र रोड है, हम आपको दिखा रहे हैं हरिश्चंद्र रोड से, जैसे आप इधर की तरफ होंगे लेफ्ट साइड पर आपको ये जो है ये शॉप्स नजर आ जाएंगी। आप देखिए इन शॉप्स को, और ये अलग अलग बिल्डर्स की बनी हुई दुकानें हैं, तभी ये डिफरेंट कलर्स की हैं। ये बिल्कुल रोड पे पड़ती हैं ये दुकानें भी। इसके इधर भी सेक्टर 10 है सारा, सेक्टर 10 में भी LIG MIG फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं, आगे सामने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, लोग यहाँ खेलने आते हैं काफ़ी प्लेयर्स, तो यहाँ काफ़ी सारी दूध की दुकानें भी खुली हुई हैं, यहाँ से दूध दही बहुत सारी चीज़ें लोग खरीद के लेके जाते हैं। ये आप देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्लॉट्स बने हुए हैं फ्लोर वाइज, नीचे दुकानें खोली हुई हैं, सामने ये मदर डेयरी का बूथ है। मैंने आपसे कहा काफ़ी सारी दूध की दुकानें हैं, ये मार्केट का बैक साइड पड़ जाता है, ये भी बिल्कुल रोड पर ही पड़ता है फ्रंट में। यहाँ पे स्नैक्स के लिए ये वैन भी लगी हुई है, यहाँ पे भी शाम में काफी लोग आते हैं स्नैक्स एंजॉय करते हैं अपना। ये हम आपको दुकानें ही दिखा रहे हैं अभी। ये सारा एरिया हरिश्चंद्र रोड पे पड़ता है, हरिश्चंद्र रोड यहाँ की मेन रोड है, उसके ऊपर इतनी सारी शॉप्स हैं, फ्लोर वाइज शॉप है, DDA की शॉप्स हैं, फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं, और सारे के सारे इसी रोड पर हैं हरिश्चंद्र रोड पर, और सारे के सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आने वाले टाइम में इनके रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके फ्यूचर की बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगी, फ्यूचर में आपको ये बहुत अच्छा लाभ देंगे। आज भी आप इनमें कोई दुकानें खोलते हैं तो भी बहुत बढ़िया चलेंगी। यहाँ पे देखिए ये दुकानें खुली हुई हैं, तो ये हम आपको पास से दिखा रहे हैं दुकानें। ये भी सेक्टर 10 है, ये सेक्टर 10 के थोड़ा सा अंदर जाके मार्केट पड़ती है, ये भी DDA की मार्केट है, ये भी फ्लोर वाइज बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर पे भी काफ़ी अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे। इनके सामने हैं ही फ्लैट्स हैं तीनों तरफ, इस दुकान के चारों तरफ। ये दुकान का ये मार्केट के अंदर का व्यू है, हम आपको अंदर से भी दिखा रहे हैं मार्केट। ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं जो सेल पर आ रही हैं, आप अगर ख़रीदना चाहें तो यहाँ पे दुकानें भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ दुकानों का रेट जो है वो 15 लाख से शुरू हो जाता है, 15 लाख में आपको अपनी एक DDA की दुकान मिल जाएगी, आप दुकानों में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
आगे आने वाले टाइम में दिल्ली की दुकानों का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये एक सरकार की तरफ से व्यापार करने की आपको जगह फिक्स दी जाती है, यहाँ पे कभी सील नहीं लगती, आपको कभी नहीं कहा जाता कि आज आप दुकान बंद कर दो, नहीं तो सरकार जो है वो रेजिडेंस एरिया पे सील लगा देती है, वहाँ दुकान खोलना लीगल नहीं होता। यहाँ आपको एक लीगल दुकान मिल जाती है जो कि 15 लाख से शुरू हो जाती हैं यहाँ की दुकानें। ये सामने सारा रेजिडेंशियल एरिया है इस मार्केट के, LIG MIG फ्लैट्स हैं दोनों तरफ तीनों तरफ इसके। ये हम आपको दुकानें दिखा रहे हैं यहाँ की। ये दुकानों के आगे ये जो एरिया है ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स भी आपको 7-7 लाख में मिल जाते हैं, उसको आप दुकान की तरह डेवलप कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई दुकानें हैं। प्लेटफॉर्म इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के हिसाब से सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि सिर्फ 7 लाख में ही इन्वेस्ट हो जाता है। 7 लाख में तो आपको कहीं ज़मीन नहीं मिलती, यहाँ आपको ज़मीन मिल रही है वो भी DDA की, जिस पर आप दुकान खोल सकते हो DDA मार्केट के अंदर। कोई बुराई नहीं है यहाँ पे खोलने में, यहाँ पे हम दुकान खोल सकते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म में खुली हुई है ये जो आपको दुकान दिखाई दे रही है क्वालिटी वॉल्स के नाम की, ये प्लेटफॉर्म पे खुली हुई है। और ये कितना सही लोकेशन है, एरिया भी आप देखिए प्लेटफॉर्म के अंदर काफ़ी होता है, इतना हम दुकान खोल सकते हैं इसके अंदर, और रेट भी आपको जायज पड़ जाता है, 7 लाख का ही मिल जाता है DDA का ये जो प्लेटफॉर्म है। ये वही मार्केट है DDA की सेक्टर 10 की, इसको हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। बाहर से आप देखो काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल रोड पे पड़ती है, काफ़ी चौड़ी रोडें हैं, काफ़ी स्पेस है इनके सामने, और काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया भी है इनके आगे।